गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। ये ऐसा चैप्टर है जो आप लोग टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं। टेंथ में पढ़ा, फिर इलेवेंथ में पढ़ा और फिर ट्वेल्थ में पढ़ा। तो प्रोबेबिलिटी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्वेल्थ में हम लोग। और जेई मेन में एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, और जेई एडवांस में तो इस बार दो तीन क्वेश्चन मिल जाता है। तो एक छोटा सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, और क्वेश्चन भी टफ नहीं आते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें पहले से तुम डरे हुए हो। हो सकता है वो तुम मूड बना करके आओ कि एडवांस में हम प्रोबेबिलिटी को टच ही नहीं करेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है जनरली उस पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की जाती, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती की जाती है। और कई बार तो प्रोबेबिलिटी इधर कुछ सालों में प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं एडवांस में वो बोर्ड के पैरेलल हो जाते हैं जैसा क्वेश्चन बोर्ड में। फर्क ये होता है कि बोर्ड में लगभग लगभग वही क्वेश्चन आते हैं जिनकी आप जो आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो, और एडवांस में कोशिश होती है क्वेश्चन न्यूली फ्रेम लगे आपको। ये मेहनत तो की जाती है। इस बार भी एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया, उसको क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टच करा दिया, और खैर वो जब हम करेंगे तो देखेंगे। तो शुरुआत आज करते हैं प्रोबेबिलिटी की, जहां से तुमने स्टार्ट किया था टेंथ में। वापस जाइए और याद करिए टेंथ में आपने क्या पढ़ा था। तो टेंथ से अब बात आती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं। जैसे कोई वर्क हमें दिया गया, अब वर्क असाइन किया गया कि पांच क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई तीन क्वेश्चन बना लो, कोई तीन क्वेश्चन बना लो। तो पांच में से तीन क्वेश्चन बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं तुम्हारी मर्जी। हो सकता है तुम पहला दूसरा तीसरा बना लो, हो सकता है कि तुम पहला दूसरा पांचवा बना लो, हो सकता है तुम दूसरा तीसरा पांचवा बना लो। मतलब तीन क्वेश्चन करने की आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है। अब आपसे कहा जाए कि कितनी तरीके से तुम तीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर दो क्वेश्चन नंबर टू जरूर बनाओ तुम। तो जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं काम करने के, उनमें से तो ये तो हमें काउंटिंग में पढ़ते थे हम लोग कि कोई वर्ग कितनी तरह से कर सकते थे। काउंटिंग मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब उसी काउंटिंग में एक चीज और ऐड कर दी जाती है कि भाई ये वर्ग तुम इतनी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर ये शर्त लगा दी जाए तो अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। तो पहला वाले को कलेक्शन कुछ कहेंगे, फिर जब कंडीशन लगा दी जाएगी तो कुछ कहेंगे। इन सब चीजों को बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए जिसे हम वर्क डन कह रहे हैं, उसको हम अच्छे नाम से लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, जिन पे हमें क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा होगा फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट। फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट, और दूसरा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहला होगा फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट और दूसरा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिक्स्ड को ही जनरली डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? अब जैसे आपको कहा जाए कि आप जो फिजिक्स लैब में प्रैक्टिकल करते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? V is proportional to I।
अगर सारे जो भी अपरेटस जो कंडीशन लगती है वो सारी की सारी सही हो, आप सब सही यूज कर रहे हो, तो चाहे जितनी बार रिपीट करो आपको हमेशा V प्रोपोर्शनल टू I मिलेगा। H2 प्लस Cl2 जो जो कंडीशन होती है केमिस्ट्री में आपको मालूम होगा, अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो H2 प्लस Cl2 2HCl फॉर्म करेगा, आप चाहे जितनी बार रिपीट करो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। 2 को 3 में ऐड करो 5 हमेशा 5 आएगा, 4 को 3 में ऐड करो 7 हमेशा 7 आएगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो इनसे जब हम प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट कराएंगे तो एक ही ऑप्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो भी वही रह जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी जो भी देखेंगे तब देखेंगे। अब वापस चलते हैं, ये तो हुआ हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, अब हम बात करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक या जिसे हमने नाम दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, जिसका आउटकम आपको पता हो लेकिन एग्जैक्टली ना बता पाओ। रैंडम अभी था डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट भी पता है और जो बता रहे हो वो हमेशा वही लग होगा, H2 प्लस Cl2 हमेशा 2HCl आएगा। आप लैब में हो, आप जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जो भी थ्योरी है वो सही सही अप्लाई कर रहे हो, तो ये रिजल्ट आएगा वो आपको पता है वही आएगा। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या जिसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसका रिजल्ट पता है और जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आएगा भी, लेकिन क्या आएगा ये नहीं बता सकते हो। जैसे टॉस करना है कॉइन का, आपके पास कॉइन है फेयर, और फेयर कॉइन आपने टॉस करना है, आपको मालूम है कि टॉस करने पर रिजल्ट एक नहीं दो ऑप्शन है, हेड या टेल, लेकिन आप बता नहीं सकते। नहीं सर, हम तो हमेशा जीत जाते हैं जब भी हम लोग गेम खेलते हैं, और अगर हम हेड कहते हो तो हेड आता है, वो नहीं माना जाएगा, हेड या टेल कोई जरूरी नहीं। डाई, डाई आपने थ्रो किया, फेयर डाई है मतलब 6 फेस है सबका, आपका जो है तो जो भी फिजिकल है सारे सेम है, सबका सरफेस एरिया सेम है, सबकी हाइट सेम है। तो अगर आप थ्रो करते हो तो 6 ऑप्शन आते हैं, अगर फेयर डाई है तो 1 2 3 4 5 6, वो आपका 1 से 6 में ही कुछ आएगा, लेकिन क्या आएगा आप ये नहीं बता सकते हो। अब जैसे लेट सपोज ये बुक है, ये बुक है, इसमें आखिरी पेज 124 है। अब आपको हम एक्सपेरिमेंट बता दें कि आपको इस बुक को ओपन करना है और पेज नंबर बताइए, तो आप बोलोगे सर पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 124 के बीच ही कौन आएगा, अब ये नहीं बता सकते कौन आएगा। और यहां हर बात हम फेयर कर रहे हैं, ये नहीं कि पहले से हमने मोड़ तोड़ के रख लिया और हमेशा पेज नंबर एक फिक्स करते हैं यही पेज निकलेगा। इसीलिए अगर आप देखिएगा तो 10th में या 11th में आप जब बात कर रहे थे तो बार बार आपको फेयर एक वर्ड यूज कर दिया जाता था। अब जैसे कार्ड 52 कार्ड का पैक है, तो वहां बोला जाता था वर्ल्ड सफल्ड, मतलब जितनी तरीके से एकदम सफलिंग कर दी गई है, ये नहीं कि पहले से तुमने एकदम बना के रखा देखो भाई हम ये निकालने जा रहे हैं सर, ये तो किंग निकल आया क्वीन निकल आया, नहीं वो नहीं करना है आपको। फेयर चांसेस है कि आपकी 52 कार्ड्स एकदम वेल सफल्ड रखे हुए हैं, जितनी सफलिंग हो सकती थी रखी, आपको कोई एकदम आइडिया नहीं कौन सा कार्ड कहां पर है। तो उसके बाद जब आप एक कार्ड निकालोगे तो आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे, देखने के बाद ही बता पाओगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट एक से ज्यादा होते हैं और तुमको सब पता होते हैं लेकिन आप बता नहीं पाते हो कि परफॉर्मिंग से पहले कि क्या आएगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो रैंडम का डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग ने बात की, रैंडम एक्सपेरिमेंट की ही हमारी बात आएंगी, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट से तो हमें क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, तो हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक पे ही पढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में इन करने से पहले अभी समझ लीजिए कि हम 10th में ही हैं, अब हम लोग कुछ टर्म्स जो प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ेंगे, जितने टर्म्स
ज्यादा से ज्यादा टर्म है उन सबको पहले एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म आता है एक्सपेरिमेंट के बाद, उसे अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? व्हाट इज सैंपल स्पेस? अच्छा, सैंपल स्पेस से पहले एक और टर्म हम लोग बात कर लेते हैं, आउटकम्स। फिर सैंपल स्पेस पे आते हैं। आउटकम्स किसे कहते हैं? आउटकम्स और सैंपल स्पेस लगभग एक ही बात है, लेकिन कभी कभी आउटकम्स की भी बात आ जाती है। तो आउटकम्स, चलिए बिना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आउटकम्स किसे कहते हैं? जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और जो जो उस एक्सपेरिमेंट का जो जो रिजल्ट आ सकता है वो सब आउटकम्स कहलाता है। जैसे आपने एक क्वाइन को टॉस किया, फेयर क्वाइन को, तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये उसका आउटकम्स कहलाया। थ्रोइंग अ फेयर डाई, फेयर डाई का मतलब 1 2 3 4 5 6 प्रिंटेड है, तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। एक एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि वन पैक ऑफ जो कार्ड्स होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, दो कलर होता है, रेड और ब्लैक, और रेड के दो ग्रुप होते हैं और ब्लैक के दो ग्रुप होते हैं, उनमें नोमेनक्लेचर होता है, ये सब आपको पता होगा। तो ये आउटकम्स हो गया। अब सैंपल स्पेस क्या कहते हैं? तो सैंपल स्पेस भी क्या है? आउटकम्स ही है, लेकिन जितने आउटकम्स हैं उन सब का कलेक्शन। सैंपल स्पेस क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल। तो केवल हम क्योंकि 52 कार्ड्स का कलेक्शन बहुत लंबा हो जाएगा तो उसे नहीं लिख रहे हैं, मन करे तो आप लिख लीजिएगा। हम इन दो का लिख रहे हैं, टॉसिंग अ क्वाइन। सैंपल स्पेस को जनरली एस से डिनोट करते हैं और कलेक्शन, यहां हम लोग सेट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। तो कलेक्शन के लिए आपका सेट थ्योरी कर्ली ब्रैकेट, क्या क्या आ सकता है? हेड टेल आ सकता है, तो हेड कॉमन टेल। थ्रोइंग अ फेयर डाई, सैंपल स्पेस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। इसका मन करे तो आप लिख सकते हो, सैंपल स्पेस हो जाएगा ब्लैक, ब्लैक का 1 2, ए को 1 कहते हैं, 2 3, और उसमें भी ब्लैक में आप क्या ले रहे हैं, तो ये 52 आएंगे तो उसे नहीं लिख रहे। तो ये हुआ हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद एक और टर्म आएगा, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस के बाद नेक्स्ट टर्म सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट किसे कहते हैं? ये जो सैंपल स्पेस में, इसमें कितने एलिमेंट हैं? दो। इसमें कितने एलिमेंट हैं? छह। तो ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। 1 इज सैंपल पॉइंट, 5 इज सैंपल पॉइंट, h इज सैंपल पॉइंट। तो किसी भी सैंपल स्पेस, जो हम लोग मेंबर कहते हैं, जो सेट का मेंबर होता है, उसे ही हम लोग प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में यहां पर हम लोग सैंपल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैंपल पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा होगा हेडिंग इवेंट। तो इवेंट के डेफिनेशन की तरफ वापस आए, उसके पहले हम लोग एक बात समझते हैं। तो जनरली इवेंट ओरिजिनेट होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने क्वाइन को टॉस किया, अब किसी ने कहा कि हेड, तो हमें हेड चाहिए, तो हेड चाहिए इसका मतलब ये इवेंट हो गई। किसी ने कहा हमें टेल चाहिए, इसका मतलब ये इवेंट हो गई। किसी ने कहा नहीं भाई, हेड आए तो भी भला, टेल आए तो भी भला, हमको दोनों चाहिए,
तो एक्चुअली अगर हम लोग डेली लैंग्वेज में बात करें, आसानी से बात करें, तो इवेंट को समझना मतलब आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग इवेंट कह देंगे कि हमने डाई थ्रो की और भाई डाई पे ऑड नंबर आए, तो ऑड नंबर आना इवेंट कहलाया। अब वो क्या होगा वो आगे की बात करेंगे। हमने जो है एक बैग में बॉल्स रखी हैं, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की, एक्सपेरिमेंट है। और हमने कहा कि एक बॉल हमने निकाली। अब रेड कलर की अगर बॉल निकल आए तो हमको रेड कलर की बॉल चाहिए, तो रेड कलर की बॉल अगर आती है तो हम उसे इवेंट, मतलब जो जितने ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैथमेटिकली क्या डिफाइन होगा, तो लिखिए मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होगी। इवेंट की डेफिनेशन क्या होगी, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज इवेंट, आर नोन एज इवेंट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज इवेंट। तो मोटा मोटी वही से निकल कर कह रहा है कि भाई अब इससे कितनी इवेंट बनाई जा सकती हैं, इससे चार इवेंट बनाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इससे चार सबसेट बनाए जा सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला पता है, टू टू पावर एन। तो इससे कितनी बनाई जा सकती है, टू टू पावर टू। क्या क्या बनाई जा सकती हैं, फाइव। अब पता चला सर फाइव कैसे बनेगा, अब क्वाइन को टॉस कर रहे हैं और कहें कि नहीं हमको फाइव चाहिए, तो ऑब्वियस फाइव नहीं आएगा। क्वाइन को आप टॉस कर रहे हो तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप डाई थ्रो कर रहे हो और बोल रहे हो कि हमको भाई नाइन चाहिए, तो फेयर डाई है तो अपन लोग 1 2 6 प्रिंट करते हैं, तो अंटिल अनलेस आपको अलग से ना बताया जाए। तो आपका हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड और टेल। तो इवेंट क्या हुई, सैंपल स्पेस के जितने सबसेट बनेंगे उतनी इवेंट। तो इवेंट की डेफिनेशन मैथमेटिकली अपन लोग कहेंगे कि इवेंट आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहीं पर आप दो बातें और कर लेते हैं, अकरेंस ऑफ इवेंट, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। तो इवेंट आपकी डिफाइन होगी, जैसे इस केस में इवेंट डिफाइन हो गई, इस पर्टिकुलर को उसको समझ लेते हैं, मन करे तो लिखिएगा अकरेंस ऑफ इवेंट। या एक और, अब इसके भाई इसके तो नहीं लिखेंगे, टू टू पावर सिक्स, टू टू पावर सिक्स का मतलब 64, पूरा अपना बोर्ड ही भर जाएगा, मन करे तो लिख लीजिएगा। तो इवेंट कितनी होंगी, सैंपल स्पेस के जितने सबसेट बनेंगे। अब हमने इवेंट कहा कि कौन सी इवेंट चाहिए, तो मान लीजिए हमने ये कहा हेड चाहिए, तो अकरेंस ऑफ इवेंट। तो अब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो इवेंट तुमने डिफाइन की थी वो ही आउटपुट में आई, तो आप बोलोगे इवेंट हैज अकर्ड। जैसे आप गेम खेलते हो, जनरली टॉस होता है, आपने कहा हेड चाहिए और हेड आ गया, तो आपके लिए इवेंट हैज अकर्ड। और आपने कहा हेड आई चाहिए, टेल आ गया, तो आपके लिए इवेंट हैज नॉट अकर्ड, वो दूसरे के लिए अकर कर गया। तो आपने हेड माना, आउटकम भी हेड आया, तो इवेंट हैज अकर्ड। अब ये इवेंट है एच कॉमा टी, तो आपको हेड चाहिए था तो हेड तो आया ही है, तो इवेंट हैज अकर्ड, इवेंट हैज अकर्ड। ये कभी कभी हम ऐसे करके ऐसे फेंक भी देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वीडियो में थोड़ी तुम्हें लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। तो अकरेंस ऑफ इवेंट में हम लोग ने बात की कि कब हम अकरेंस ऑफ इवेंट कहेंगे और कब नॉन अकरेंस, लेकिन इन मन करे तो लिख लीजिएगा। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं सिंपल इवेंट की, सिंपल इवेंट, या इसी को कई बार हम लोग ऑर्डिनरी इवेंट भी कहते हैं, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, तो ऐसे इवेंट जिसमें केवल, अच्छा चलो इसका भी कुछ इवेंट लिखी दी जाए, इसकी अगर कुछ इवेंट लिखते हैं तो एक तो फाइव हो गया, फिर एक एक एलिमेंट का हो गया, एक एक एलिमेंट का हो गया,
उधर नहीं दिख रहा है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया वीडियो में, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना आप लोग। 1 2 1 1 का इधर चलता चला जाएगा, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का, फिर 4 4 का, तब तो 64 जाएगा। खैर वापस आ जाते हैं, तो सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? ऐसी इवेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें केवल एक सैंपल पॉइंट हो। इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट या वन एलिमेंट, तो ये आपके सिंपल इवेंट कहलाएंगे। तो जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंपल इवेंट। ये केवल अभी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में नहीं किए हैं, लेकिन टर्म्स हर एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे मिक्स्ड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट इवेंट। मिक्स्ड इवेंट या कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट / कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट। तो बात समझ में आ गई होगी, बताने की जरूरत है? लिख लीजिए, इवेंट में एक से ज्यादा एलिमेंट हैविंग मोर देन वन एलिमेंट, हैविंग मोर देन वन एलिमेंट, जैसे एच कॉमा टी, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 कॉमा 5। तो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग मिक्स्ड इवेंट कहेंगे, मोर देन वन एलिमेंट। नेक्स्ट, मिक्स्ड इवेंट के बाद इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट या इसी को हम लोग नल इवेंट भी कहते हैं। इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ऐसी इवेंट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, इसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट में एक भी एलिमेंट ना हो, जैसे ये नल, इसीलिए इसको नल इवेंट भी कहते हैं। तो इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल के बाद ये सब नाम यूज होंगे बीच बीच में, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, तो नाम सही लग रहा है, तो श्योर इवेंट किसे कहेंगे? अगर इवेंट सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, इफ इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट। तो अगर इवेंट सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, क्योंकि श्योर इवेंट का मतलब आपने जो इवेंट मानी है वो इवेंट हर हाल में अकर करे ही करे, तभी श्योर इवेंट हो। तो श्योर इवेंट का मतलब जितने ऑप्शन है वो सब आपने इवेंट में डालते हैं, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ने कहा कि श्योर इवेंट का मतलब वो इवेंट जो सैंपल स्पेस के बराबर हो। कई बार सब इवेंट देखिए, सब इवेंट, अब सब इवेंट, जैसे अब इसमें सब इवेंट, तो इवेंट का भी जब हम सबसेट लेते हैं, इवेंट का भी, जैसे मान लीजिए अब हमको ये हमने डाई थ्रो की थी, अब हम ये कहें कि पहले इवेंट ये कहें कि भाई ऐसी इवेंट बनाइए जिसमें जो है ऑड नंबर हो, तो एक इवेंट आप बन करके तैयार हो गई, 1 3 5। हमने इवेंट क्या बताई कि आउटकम्स हैविंग ऑड नंबर्स, आउटकम्स हैविंग इवेंट नंबर्स, ये भी इवेंट हो गई। अब ये इवेंट बनाने के बाद फिर हम बनाए ऑड नंबर्स विच आर प्राइम, तो अब इनमें से प्राइम 3 5 होगा, 3 और 5,
वन इज नॉट प्राइम नंबर। तो कई बार हमें इवेंट में भी फिर से नहीं क्रिएट करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सब इवेंट। तो किसी भी, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, इसकी कितनी सब इवेंट बन सकती है। अब ये 2 to the power इसके जितने सबसेट बनेंगे, तो सब इवेंट किसे कहेंगे, इवेंट का फिर सबसेट लेंगे तो उन्हें हम लोग बोलेंगे सब इवेंट। नोट करिए फटाफट जल्दी से। और अगर एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी हो तो आइए बोल देते हैं, लेट ए सब इवेंट की डेफिनेशन चाहे तो लिख लो, लेट ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, बी द इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेट ए एंड बी बी द इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट फुल स्टॉप। ऑन ईच परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, on each performance of the experiment, on each performance of the experiment, if occurrence of A ensures occurrence of B, occurrence of A ensures occurrence of B, then the event A is called, then the event A is called sub event of B, sub event of event B. If occurrence of A ensures occurrence of B, then event A is known as sub. ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन अपने समझने के लिहाज से वही कि इवेंट का भी अब 3.5 अगर अकर कर रहा है तो फिर ये अकर करेगा ही करेगा, तो इसका अकरेंस अगर इसको इंप्लाई करे तो ये सब इवेंट कहलाएगी। तो मैथमेटिकली हम लोग ने बात की कि भाई आपका सब इवेंट का मतलब इवेंट का सबसेट। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग कई बार क्वेश्चंस में बात करेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स लिखिए। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको हम लोग इसको समझते हैं अपने हिसाब से। पहले क्योंकि डेफिनेशन जब लिखते हैं तो हर टर्म्स का अपना मतलब होता है, तो पहले लिख लीजिए, सिस्टम ऑफ इवेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी कैपिटल, सिस्टम ऑफ इवेंट्स कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी इज कॉल्ड इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली सिस्टम ऑफ इवेंट्स ए बी सी इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इफ ऑन रिपीटिंग, इफ ऑन रिपीटिंग, if on repeating, if हाँ if on repeating the experiment, if on repeating the experiment a large number of times, a large number of times, there is no reason to, there is no reason to, there is no reason to expect any one of these events, expect, expect expect any one of these events more often than the others, more often than the others, more often than the others, more often than the others. तो ये तो डेफिनेशन हो गई मैथमेटिकली, अब हम लोग समझते हैं अपने हिसाब से। तो इक्वली लाइकली को अभी हम बात करेंगे दो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने डेफिनेशन लिख ली कि साफ साफ कहा गया कि जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें से जो आपने इवेंट बनाई, ऑब्वियस इवेंट अभी हमने देखा कि सैंपल स्पेस के जितने सबसेट बनेंगे वो इवेंट, और इवेंट जो आपने बनाई अगर सभी के